Jungle. नमस्कार, मैं लीना मनस की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। विदर्भ में पहली बार एडवांस डिप्लोमा इन एक्सरे रेडियोग्राफी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक्स कोर्स की शुरुआत राष्ट्र संत तुकड़ोजी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल की ओर से MSBT महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा नया कोर्स शुरू किया गया है, जिसका नाम एडवांस डिप्लोमा इन एक्सरे रेडियोग्राफी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक्स है। इस कोर्स की अवधि 1.5 साल की है और इसके लिए BA SC की विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की तारीख 8 सितंबर 2018 है। BA SC में फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री विषय होने वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें प्रवेश के नियम और फी स्ट्रक्चर MSBT के अनुसार ही होंगे। इस प्रवेश के लिए विद्यार्थी और इसको ऑफलाइन ही हॉस्पिटल में भरकर देना होगा। इसके लिए विद्यार्थी हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात यह है कि महाराष्ट्र में केवल रत्नागिरी में ही यह कोर्स है, लेकिन अब नागपुर में भी इसकी शुरुआत होने से एडमिशन करना विद्यार्थियों के लिए आसान हो गया है। इस कोर्स के विषय में और अन्य कोर्स के विषय में जानकारी देते हुए हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सबरजीत दास गुप्ता और उपसंचालक डॉक्टर BK शर्मा ने बताया कि रत्नागिरी के बाद यह दूसरा हॉस्पिटल है जहां शुरू किया गया है। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि रोजगार की दृष्टि से भी साइंस के विद्यार्थियों के लिए ये बेहतरीन मौका है। उन्होंने बताया कि लैब टेक्नीशियन और रेडियोथेरेपी की सीटें फुल हो चुकी है। एडवांस डिप्लोमा इन एक्सरे रेडियोग्राफी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक्स का ये कोर्स कम जगहों पर होने की वजह से भी इसका महत्व बढ़ चुका है। समय कम होने की वजह से विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 8 सितंबर से पहले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। क्राइम पेट्रोल देखकर जबलपुर की एक 8 साल की बच्ची ने की खुदकुशी। बताया जा रहा है कि माँ स्कूल में टीचर है, घर में ताला लगाकर वो स्कूल गई थी। तब लड़की और उसका छोटा भाई घर के अंदर खेल खेल रहे थे। तभी खेल खेल में उसने ऐसी हरकत की जिस वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बच्ची का नाम आरुषि द्विवेदी बताया जा रहा है। माँ के घर लौटने के बाद इस हादसे का खुलासा हुआ, तभी मौके पर जाकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। विश्व में बहुत ही कम लोगों को विश्व नारियल दिवस के बारे में पता होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नारियल विकास बोर्ड प्रतिवर्ष किसानों को 1 लाख पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इस तरह से अब तक कुल 16 लाख पौधे निःशुल्क वितरित हुए हैं। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव का जश्न मनाने के उद्देश्य से सेवा सदन स्कूल के छात्राओं को गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस समय मूर्तिकार नीलेश और मीनाक्षी बादे इन्होंने छात्राओं के सामने ही मूर्तियां बनाकर दिखाई। पर्यावरणाचं हे सांगितलं आणि त्याचं स्वतः इकोफ्रेंडली क्लबने येऊन आमच्या शाळेतल्या मुलींना एक प्रशिक्षण दिलं आणि तुम्ही सगळे पाहता एवढ्या सगळ्या मुली या गणपती स्वतः गणपती तयार करण्यात इकोफ्रेंडली गणपती तयार करण्यात गुंतलेले आहेत आणि हे इकोफ्रेंडली क्लबचं एक मोठं यश आहे आणि हे बरेच जणांपर्यंत जावं आणि प्रत्येकाने आपल्या घरी फक्त इकोफ्रेंडली गणपतीच बसवावं। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद। ऑडियो जंगल।